करने वाले जी, क्या आपको पता मैं कौन हूँ? नहीं, मैं बहुत दूर से चल के आया हूँ। यहाँ सब दूर से आते हैं। हरिद्वार से 200 कोस जूनागढ़, जो गुजरात में पड़ता है जी, और मैं गंगा में नहाने के लिए पड़ा, आपने एकदम मेरा हाथ पकड़ लिया। क्यों? इसलिए पकड़ लिया, गंगा में तो तू खूब ना। अपना परिचय दो। मैं पंडित जी हूँ। फिर पंडित जी का मैं क्या करूँ? तू कुछ मत कर, तू गंगा जी में नहा, लेकिन नहाने तो पहले दान दे। मैं बनिया हूँ और बनिया दान दिया नहीं करते। तू बनिया और चाहे कुनिया, वो दान तो देना पड़ेगा। मैं भी पंडित जी हूँ। देख भाई पंडित जी, हाँ बहुत गरीब बनिया हूँ मैं, बहुत गरीब बनिया गरीब। हाँ जमी कोने बात, लेकिन यहाँ कितना भी गरीब आदमी क्यों ना हो, ये गंगा जी का वसूल है, या नहाने से पहले दान देना पड़ता है। अगर तेरा ये घाट है तो नाना कैंसिल। कैंसिल? हाँ हाँ, नाना कैंसिल कर दे, लेकिन नावगा तो दान जरूर लूंगा। सुन रखा था कि एक घाट ऐसा है जहां शायद नाने का दान न देना पड़े। चलता गया चलता गया और 10 कोस दूर गया, दिख जगह आई गंगा जी के किनारे, जहां मुर्दे फूक्या करते थे, शमशान घाट था। वहां पहुंच गया और जो शमशान घाट, वो जो घाट था गंगा जी में भीतर बढ़िया, फिर पंडित आ गया। तेरे तन्नु गई थी नाना मना है, मतलब मुर्द घाट भी तेरा है। ये सारी गंगा जी पर जितने भी घाट पड़ेंगे ना होगा तो पैसे देने पड़ेंगे। देख पंडित जी, हाँ अव्वल तो मैं बहुत गरीब हूँ और दूसरी बात मेरे पे पैसे कौन है। ओहो गरीब साधु, हाँ मोटी मोटी सांकड़ पैर रो, ये तो दिखाने की है। कोई बात ना, एक काम कर तू, दान में यही दे दे, मैं ना लेने दूंगा। बात सुन भाई, ले ले दे। सुन, बात ना सुना करूं मैं काटे। अरे भाई मैं दान नहीं करा करता। तो मैं नाने नहीं दिया करता, फिर उल्टा जा पैदल। तो से कोस चल के आया हूँ। तू चाहे 500 कोस आया हो नाना हो तो दान दे, नहीं कोई नहीं। कड़े तो तू है ही कोने दान? है ही कोने? ना मेरे लेके चिया कुड़ तो काट के दे दान में, पर किमी तो दे। को पक्का ही मिल गया आज? हाँ भाई मैं भी दान कोने दू, कोने दू, कोने करू दान। मेरी बात सुन ले। हाँ जा। तू फिर करिए असना, ये कहने हमारा है। मैं चल के आया दूर बहुत के, यो घाट तुम्हारा है। तू फिर करिए असना, यो कहने हमारा है। भाई देखे तड़के दे सांस तक कितने आदमी नहाते होंगे, खूब एक आदना फरी में भी ना लेने दे यार। भाई मेरा कुछ नहीं जाना, लेकिन ये गंगा जी का वसूल है, तेरे भले की बात है, तेरे स्नान लग गए नहीं का मत लागो, पर ना लेने दे। मैं अपनी आंखों देखे वो पाप होने नहीं दू, तेरे ते पीछे लेके मानू। और मैं दू को ना, सुनने मेरी बात। जुनसी बात कहूं आप तनाउन मचना, ते फिर ना हो ना तो कह पवित्र हो, ज्या ध्यान हरी मदर ना हो, ना ये पाच सुन भाई तन दान जरूरी करना हो, ना ये पाच सुन भाई तन दान जरूरी करना हो, ना ये पाच सुन भाई तन दान जरूरी करना हो। इतनी जनता, इतनी जनता ना आवे तो मेरे पे ध्यान जरूरी ना, जो मेरे पे करण लाग रहा करना शान जरूरी ना, मेरे दिल तक भी पास नहीं मेरा करना दान जरूरी ना, दिल तक भी पास नहीं मेरा करना दान जरूरी ना, मेरे दिल तक भी पास नहीं मेरा करना दान जरूरी ना। रे 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 हो, ला दे श्रद्धा समान, ला दे
श्रद्धा सम्मान जितना व्योत तुम्हारा है। उड़ा दानी देख कितने बैठे इंतले दान इनता और पंडित जी के एक हाड़ा घने घूमे में तेरे उड़ा दानी आ रहे हो और खने आने क्यों विंदा ठारा से ऊपर कई रसना राम सिंह चौकीदार और न्यू कह रहे ये जो ब्राह्मण है 100 रुपये दे दे नान देगा तने ये ले ले ये राम सिंह के हैं तो राम सिंह ना वो तू तेरा दे पंडित जी क्यों बेइज्जती करे सारी दुनिया हंसे मेरे पे तो तू क्यों हंसी करो अपनी दान देर मौज ले कितने दू मन्ने केवरो कैडे जागो तू मेरे पे पैसा नहीं है दान करने के लिए पैसा नहीं है तो लत्ते कपड़े किमी किमी कुछ भी दे दे साची साची बता तू पंडित जी को चोर है मैं सुनू तो पंडित जी भी और भी कई मेल की चीज वो बात मेरा पता है काम चोराले अच्छा मैं दान नहीं दू नहीं दे है ही नहीं कड़े तो दू के ले का जागर के ले आया था 2 रुपया ऊपर दे कितनी बात है ना दे दे जा कोई कोई ना दू सुन ले मेरी बात करने ते नाटक करता बात फिजूल है ना दो के पुन दान करना गंगा का वसूल है ना दो के पुन दान करना गंगा का वसूल है ना दो के पुन दान करना गंगा का वसूल है। इतने मेरे कने टक्कर मारेगा ना हाँ। कोई मानस फरी में ना लेंगे उस घाट पे कोई बात नहीं उड़ा जा तेर ते लूंगा घाट छोड़ के आया मांगने मोटे कर दिया साला रे घाट छोड़ के आया मांगने मोटे कर दिया साला रे दान दिए बिना न देता गंगा का रुखाला रे दान कड़े ते दे दू मैं तो मानस टोटे आला रे दान कड़े ते दे दू मैं तो मानस टोटे आला रे दान कड़े ते दे दू मैं तो मानस टोटे आला रे तूफान खड़ा गंगा की धारा है गंगा की धार में खड़ा होगा झूठ तेरी कसम मेरी क्यों खा तेरी माँ की खा मैं के लागू तेरा गंगा जी कसम खा लू मने नहीं पता मैं सब जानता हूँ क्यों झूठी कसम खाओ तू के बोलिया क्यों बोले झूठ तूफान खड़ा गंगा की धारा है गंगा माँ जाने यो नरसी गरीब बिचारा है फिर करिए असना हाथ मुंह धो लियो चलू भी नहीं कर सकता बिना दान दी तेरे पाप लगेगा पाप तो तेरा लगेगा तू नु सोच रहा होगा मेरा पंडित जी है इसने के क्या खबेरा है और के तू पीएचडी कर रहा है पीएचडी गणी का सुती के का टोटे वाला इतना टोटे वाला हूँ घर में खान को नाच भी कोन्या मुझसे भी व्रत करते होंगे मुझसे मुझसे के बच्चे भी व्रत कर रहे हैं तेरी माँ भी मांगती डोलती होगी माँ तो मरली वो टोटा में मरी थी टोटा मरी बेचारी ओहो और तो तने पीछे ले लिए तो मैं भी मरूंगा मारे शराप लाग रहा शराप क्या बात का मन्ने दान करया और मैं मरया ये शराप तेरे जुम्मे हो जाएगा यो गंगा महाड़ तो बड़े बड़ा के शराप और पाप कटते तू आड़े बड़के दार में कर दे काम ना कुछ नहीं होना तो ना लेने दे फिर ना 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 पहले दान दे के तो ना होगा दान 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 भूखे करके नहीं तू दान ओ बड़े घर के तू बड़े घर का होता दे नहीं देता ही दिन देर में मैं बहुत गरीब हूँ बहुत गरीब है हाँ मैं सारी जानू कितना गरीब है के जाने तू सुन ले मेरी बात
करे तना जा लिकड़ जा मरोड़ तेरी। मैं सब बाता ने जानू नरसी माया कई करोड़ तेरी। तन्ने क्यों कर बता भाई सारी बेराम ने। तेरा नाम नरसी तो होगा? मेरा नाम नरसी मेहता सेठ है। हाँ, जूनागढ़ का रहने वाला। हाँ, तीसरी गली में तेरा मकान, चौथा मकान। हाँ हाँ, और तेरे मकान के लाल गेट बिल्कुल बार मुंशी जी बैठा रहे। और किम बताऊं? माया कई करोड़ मेरी। नो भी बताऊं पैसा कैड दे रहा है। कौन है तू? साक्षी साक्षी बता। सारी नहीं पूछा करते मन, झूठ कही है कि नू बता। तू मेरी साड़ी का छोरा तो कौन है? साड़ी सूड़ी का छोरा कौन है? मैं मामा हूँ तेरा, सारे दान लेकर मानूंगा। 56 करोड़ की माया थी नरसी के बाप के पास में। उस जमाने में 5 बेटे थे, 5 भाई थे। नरसी 11 करोड़ 5 भाइयों में बांटी थी और 1 करोड़ गौशाला में दी थी। 11 करोड़ की माया का मालिक था नरसी, लेकिन कंजूस इतना, रोटी का घी भी कोई ना लगावे, शीशी भर का शीशी रगड़ा था बस, इतना कंजूस। ब्राह्मण जी, इसका मतलब तेरे को पता चल गया? बिल्कुल। दोबारा कहिए, सुन ले। लिकड़ जा मरोड़ तेरी, सब बाता ने जानू नरसी माया कई करोड़ तेरी। सब बाता ने जानू नरसी माया कई करोड़ तेरी। सब बाता ने जानू नरसी माया कई करोड़ तेरी। 11 करोड़ घरा धरी कति छेड़नी चाहिना। 11 करोड़ घरा धरी कति छेड़नी चाहिना। तिजोरी में बंद कर दी मनो हाथ के मठाई ना। अच्छा, इब तुरत कड़े ते दे दू मेरे धोर पैसा पाई ना। तुरत कड़े ते दे दू मेरे धोर पैसा पाई ना। तुरत कड़े ते दे दू मेरे धोर पैसा पाई ना। अरे रख ब्राह्मण का मान, रख ब्राह्मण का मान, जितना ब्योत तुम्हारा है। किस किस ने दुदान अड़े मंगत्या का लारा है। अच्छा, लेकिन दिक्कत एक होगी। क्या? 11 करोड़ रुपये मन तिजोरी में बंद करे, ताला मार दिया जी। और वह ताली जो थी ताला खोलने की, अच्छा, वह ताली खूगी। फिर वे धरे न्यू के न्यू तो मन ले चाल साली तिजोरी तोड़ांगे। तिजोरी तोड़ देगा वो ताला, फिर 1 रुपए का आवेगा, आ जाएगा 10-20 रुपए का। अच्छा, दस तेरा बाप देगा 10-20 रुपया? अरे तिजोरी में 11 करोड़ धरे, 10 काट लिए क्या फर्क पड़े? ना 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 ना, उसमें तो नहीं खर्च छोड़ दू, वे न्यू के न्यू रहेंगे। अरे पड़े पड़े भीतर गल जाएंगे तो? गले कोई ना पन्नी में बांध रखे है। अच्छा हाँ, अरे 11 करोड़ रुपए तेरे दो 100 रुपए देते, तेरा जी लिखने क्यों कल दे दे। ताले भीतर धरे, घर तो चलिया, लिफ्ट ले लेकर आया हूँ गंगा जी। कितने 3 दिन हो गए भंडारे की रोटी खाते खाते कि मैं चा पानी को 10-5 रुपए तो लेकर चल रहा होगा। एक भी नहीं, या नहीं है पैसे, भूखा मरना मंजूर, खर्च नहीं करूं। घर तो होंगे? घर तो 11 करोड़ से है। अरे घने रुपया ब्याज पे दे रखा है। अर्जा मैं नू कर लू, आड़े तेरी उधार कर लू मैं, अर्जा तेरा घर आ जाऊं तो लेन ने। देखना, ये ब्राह्मण नहीं कृष्ण भगवान थे, बातों के जाल में नरसी फंसाता है और कृष्ण भगवान ब्राह्मण के भेष में अपने जाल में नरसी को फंसाते। उधार करेगा? हाँ।
उधार। तू यहाँ आ भर ले चाहे तू 10 रुपए की भर ले, जितने पैसे की यहाँ भरेगा इतने मैं तेरे निवास स्थान पर जाकर तू रहता उड़ा कर ले लूंगा। देख ले कदे बिजनेस फेल हो जाए तेरा। कुछ फेल नहीं हो, तू आ भर बस। मैं जूनागढ़ का रहने वाला हूँ, यहाँ से 200 कोस। मेरी बात सुन ले, गुजरात ते तू चाहे पाकिस्तान का हो, मतलब सोच ले। सोच लिया तो मेरी शर्त है क्या? दान में मेरे हिसाब से दूंगा। तेरे हिसाब से दे, अपना हिसाब दान दे, पर कोई से हिसाब से दे तू। उधार करूंगा, कर ले मेरे हिसाब से, तेरे हिसाब से। मेरी सुन ले, आदरणीय मांगेराम सरपंच जी 100 रुपए से मान सम्मान करते, सरपंच साहब का धन्यवाद। बहुत अच्छे। चंदगी राम कहे, चंदगी राम पागल हो गया, नरसी तेरे प्यार में धर्मवीर कसांग के बारे चलना पड़े व्यवहार में, मन पाई पैसा कुछ भी दे दे कर लू तेरी उधार में, पाई पैसा कुछ भी दे दे कर लू तेरी उधार में, पाई पैसा कुछ भी दे दे कर लू तेरी उधार में। उधार एक लाख एक एक हजार ना सो एक सो ना दस ना एक फिर के तेरी माँ की टेंट दियागो के दियागो एक दूंगा के देगा एक पाई तो 1 रुपए का भी, एक पैसा का भी 8वां 10वां हिस्सा अपने कर ले बिजनेस कर। सेठ जी फिर इतना मोटा खर्चा क्यों कर रहे हैं न्यू बता। ये बाकी सुन बेटा, बताऊंगा तने। अच्छा हाँ, एक पाई की हाँ भर ली एक पाई की हाँ भर ली, हटके दर्शन पाना हो, पूछताछ के आ जाइए जड़ नरसी का ठिकाना हो। एक पाई की खातर ब्राह्मण जूनागढ़ में आना हो, एक पाई की खातर ब्राह्मण जूनागढ़ में आना हो, एक पाई की खातर ब्राह्मण जूनागढ़ में आना हो, एक पाई की खातर तने गुजरात जूनागढ़ में आना हो। जूनागढ़ में आ जाऊंगा, किराया तो दे देगा, फुट्टी कोटी भी पानी भी कोने पे आऊं तो वहां का तो किराया 10 रुपए है, मैं तेरी एक पाई के चाटूंगा। कर ले बिजनेस, लेकिन एक पाई तो देगा ना तू पक्का? एक पाई दूंगा, हाथ मार वचन दिया। तो कोई ना, तू किराया भी मत दिए, मैं एक पाई ही लूंगा तेरी। मैं तो धुर आलू जुजमान, मैं तो धुर आलू जुजमान जड़े, अरे तेरा दवारा है। तन बर्बाद होने के ठान ली, मैं तो धुर आलू जुजमान जड़े, अरे तेरा दवारा है। या ताजा गा तितरज गान का महरा ले जा न्यारा है, फिर करिए आपको सारा हिसाब किताब सौंपा था। बिल्कुल सौंपा था। किसी का कोई ब्याज अधूरा है? नहीं है। कोई हिसाब किताब? नहीं है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। कितना मुनाफा हुआ? मुनाफा 100 रुपए पूरे नहीं हुए जी। 100 रुपए पूरे नहीं हुए ना? बत्तू मरवावेगा भाई। क्यों? तेरी तनख्वाह कितनी है? मेरी 10 रुपए जी दिए ना 3 महीने से तुमने। 30 तो ये कट गए। 30 क्यों कट? मेरे क्यों कट गए? 100 रुपये कटे तो लाऊंगा। 70 रुपये का हिसाब कर पूरा। मुझ पे नहीं है जी। 70 रुपये चाहिए पहले। आपने खर्च कर दिए होंगे। मैंने कर दिए खर्च, मैं जहर भी ना खाऊं रुपये का। इवन 100 तो करो पूरे। तू कर, तू किस बात की तनखा ले रहा है? मैं। तू करेगा पूरे 70 रुपया। हरे कृष्णा। रन नरसी शेठ सके मुंशी जी। टक 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 देख दरवाजे पे, देख कोई ब्याज देने आया होगा। हाँ, जा देखता हूँ। जा। हाँ भाई, कौन है आप? मुंशी जी हो? हाँ मुंशी जी हूँ। अंदर नरसी शेठ है? देख क्या हूँ मैं भी, डट जा। तू भीतर तो आया है? मैं देख क्या हूँ, है ना है। अच्छा देखिए,
हाँ मुंशी। कोई पंडित जी आया जी? ब्याज लेकर ना? नहीं आया, खामा खा मिलना चाहता है। हाँ अभी हम बिजी है। ठीक है ठीक है, अभी हमारे सेठ जी 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 है। अरे जी जी को ना बीबी जी। हाँ बीजी है। अच्छा बीजी है। हाँ कोई ना उस तनु कह देना खास पंडित जी है, गंगा जी तो आया है जा। गंगा जी सो आयो? हाँ के सेठ जी। हाँ वो पंडित जी गंगा जी से आया है मिलने खातर। गंगा जी से? हाँ तुम्हारे तो कोई रिश्तेदारी भी कौन है गंगा जी? अभी तुम गए थे गंगा जी, फिर वो किसी पंडित ने नोत तो नहीं आए? ना ना गणा ही पंडित ठंडे था। अच्छा मैं नोतूंगा, मैं बामड़ा का खाऊं। हाँ भाई भगा दू उसने। नुकते हम मिलना नहीं चाहते, बिजी है, 70 रुपये की रोड़ी हो रही है। ठीक है दोबारा आना 2-4 साल में। सुन हेलो हेलो जी, काम पूछ के काम है। ठीक है हाँ पंडित जी। हाँ मारे सेठ जी बहुत ज्यादा बिजी हैं। अच्छा और 2-4 साल बाद आ जाइयो। 2-4 साल? हाँ चलो उसने याद काम के है नु बता। सुन ले उसने याद दुआ के नुकर ब्राह्मण गंगा जी आला, ब्राह्मण गंगा जी आला के दे फेटन आया से। ब्राह्मण गंगा जी आला के दे फेटन आया से। ब्राह्मण गंगा जी सेठ जी। हाँ वो पंडित जी ना जा रहा, वो तो मिलके ही जावेगा, गंगा जी सो आ रहा है। मेरे कुछ कुछ याद आता है। याद आता है? मैंने किसी ब्राह्मण को ब्याज पर रुपये तो ना दे दी यार। एक ब्याज देने वाला और राघो जी ब्राह्मण गंगा जी आड़ा ये ब्याज के पैसे आए जी, कमलेश देवी जी ने दिए। जय हो बहन जी की। हाँ के कहनी पंडित जी सु इन्हें कह दे जा चला जा। चला जा हमें मिल। क्या काम है? के काम है नू बताओ खोल के। मैं बिना बुलाए नहीं आया, उसने के गई थी बताए। हाँ रन्नू के था घरा आ जाइए फेर, इब वो क्यों लारा से दे, इब वो क्यों लारा से दे। ईसा के मोटा हो रहा चाला, ईसा के मोटा हो रहा चाला, ईसा के मोटा हो रहा चाला, नहीं बतक सकल दिखाया से। ब्राह्मण गंगा जी आड़ा के दे फेटने आया से। ब्राह्मण गंगा जी को बुलाया था तू सेठ जी। सेठ जी 93, 94, 95, 96, 97, 98 इन्हें 100 कर उल्लू के पट्टे। 100 क्यों करूं मैं? क्यों करूं आप कर लो काम बता। वो तो नू कह रहा हो आपने बुलाया था, वो तो नू कह रहा है पंडित जी के बुलाया था सेठ जी ने मुझे। टाइम खोटी नहीं करने का, कह दो जाओ। यू कैन गो गो। यार कुछ गड़बड़ लगे। के गड़बड़? मेरे कुछ कुछ याद आता है। के याद आवे है? कुछ नहीं आता था, भगा दे। ये भी ना मिलना चाह रहे सेठ जी। क्या जा तू ही भी यहां से। के कहे हैं? नु कहे मैं ज्यादा बिजी हूँ, मैंने कोई पंडित जी नहीं बुलाया है। तेरे को सुना नु कहिए। हाँ अरे नु कह दे इसमें तेरी भलाई दे, गंगा पे जो ओटी पाई दे, गंगा पे जो ओटी पाई। ईसा के लिकड़ा घरा दीवाला, ईसा के लिकड़ा घरा दीवाला, ईसा के लिकड़ा घरा दीवाला, यो टोटा घना सताया से। ब्राह्मण गंगा जी आड़ा रे कह दे फेटने आया से। ब्राह्मण गंगा जी इसमें तेरी भलाई दे, गंगा पे जो ओटी पाई। ये भी कह कहूं डट जाओ पंडित जी। सेठ जी मुंशी जी कोई गंगा जी पे पाई ओटी? ये बात होगी के सांप निकल गया। पाई पाई एक पाई नाले ताई गंगा में है चेक करके मम्मी
शेखर की मम्मी अत्रो गंगा जी में नहाने के लिए 100 रुपए देती है। ओम नमः पितरो। क्या कहना चाहते हो? एक पाई ओटी जी इधर आ। हाँ जी। वो मैंने दुनिया देखी है पर ये पकड़िया पूरा बिल्कुल पक्का है लेके जावेगा। एक पाई मैंने गंगा जी पे उठी थी। उठी थी आड़े थे 200 कोस दूर। अरे यो ब्राह्मण हरिद्वार ते जूनागढ़ आ गया। हरिद्वार ते जूनागढ़ आ लिया। किराया भी 10 रुपए लग गया होगा एक पाई के लिए। अरे मुंशी हाँ ये बहुत ज्ञानी है मेरे बारे में तो दे दो जी पंडित जी। दे दो जी दे दो तू दे दे मुझ पे नहीं है जी तुमने तनखा नहीं दी। हाँ मुंशी जी तेरी तनखा बढ़ाऊंगा 3 रुपये। 3 रुपये के काम करना पड़ेगा? इन भगा दे यार तू। भगा दू? सुन मने दान कर यार मैं मरिया। ओहो मैं पाई नहीं दूंगा। मैं के बहाना बनाऊ जी। एक काम कर। हाँ नु कह दे के कह दे नु कह दे। हाँ अरे ताई न्यू कह दे के मारे सेठ का खाज हो रही है। और न्यू कह दे खाज के साथ साथ कोरोना हो रहा है क्वारंटाइन हो रहा है सेठ। ओहो सही है यो ठीक है। पंडित जी मारे सेठ के एक तो खाज हो रही है एक कोरोना को पॉजिटिव निकल गया। कोई बात ना मैं बैठ जी हूँ उसने ठीक करके जाऊंगा मन लेके चालू सो। ना 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 यही रहे मिल ना चाहे बीमार है वो। अरे मने दिखे से लाचार सेठ जो तेरा हो रहा घना बीमार। सेठ जो हो रहा घना बीमार। अरे मन दिखे दाल में का। अरे मन दिखे दाल में काला। अरे मन दिखे दाल में काला जी मिलने ने जावे से बापड़ कंका जी आड़े के जी पेटने आया से बापड़ कंका जी भी हूँ बीमार है तो बीमारी में पता चलता हाल चाल तो पूछा लेकर चाल मैंने भीतर ना, ना, ये भी रुक जा मैं देखता हूँ एक बार और। सेठ जी हाँ वो पंडित तो वैद भी है वो तो सुई भी लगावे है के बात हो गई पेट फुलाए अंडे है और ना मारोगे तुम न्यू कह दे। हाँ के कह दूँ के कोई आइडियो बता आ गया दिमाग में क्योंकि तू पेट खराब है ना तो फिर भी किमी न किमी करेगा मैं भी इसको बाप सू। एक काम कर न्यू कह दे के सेठ जी मर गया राम नाम सत्य सत्य बोलो गत अरे सेठ गया मर अनु तू चले जा। ठीक है पंडित जी बारह सेठ तो मर लियो मर लियो कोरोना में मर लियो बनगी बात मर लियो जा तू ही या रोवर आट मचेगो जा भग जा। अरे तो मेरी तो सुन हाँ मर लिया तो कोई नहीं भगवान उसकी आत्मा ने शांति दे दो लकड़ी मैं भी देखा ही जाऊंगा। आ मुनसी रे सांस फिर को दिखे ये न्यू भी ना जा और इस तो न्यू कह दे। हाँ सेठ गया मर मर सेठ की छोरी है हरनंदी हरनंदी आड़े ते 100 कोस दूर सिरसागढ़ ब्याह रखी है। हाँ निको पंडित जी हम जावेंगे। हाँ छोरी ने लेकर आवेंगे आवेंगे छोरी मुंह माथा देखेगी देखेगी जब दाग लगेगा दिन लगेगा 15 तू के करेगा चला जाने। हाँ ये भी कहूँ ये भी जाएगा पंडित जी। हाँ सेठ जी की छोरी हरनंदी ब्याह रखे सिरसागढ़ में। अच्छा हम जावेंगे छोरी ने लेके आवेंगे छोरी मुंह माथा देखेगी दिल लगेंगे 15 और 15 दिन तू के करेगा भूख मर जाएगा भाग जा। मन में के काम में एक मेरी कोई भैंस भूखी मर रही है मैं 1 महीने का खा लियूं आड़े आराम करूंगा आड़े ही रुकेगा। हाँ मरे भाई अरे चंद की राम गुरु का शरणा ओ धर्म वीर फेरे का एक डरना धर्म वीर फेरे का एक डरना अरे तुम रटो हरी की माला अरे तुम र...
हरी की माला, अरे तुम रटो हरी की माला, गुण ईश्वर के गाया से बामन गंगा की आला के दर्शन कर रहा हूं लाडू तो ना पूछ कर दू बेटी तू कैसी है बेटी जी एक मुद्दत के बाद तो मुझे दिखाई दी अपनी गोद में तुझे खिलाया और आज का दिन देख कितना बढ़िया है कल तुझे भात दूंगा लाडू टाइम ज्यादा हो रहा है आधी रात है तू एक काम कर अब तो तू चली जा कल सुबह बात करते पिताजी आज बिल्कुल भी खुशी नहीं आपके आने पर और आपने आकर मेरी इज्जत घटाई है आपने बेरा था कि मेरा दोरा बात बनने कुछ नहीं है फिर भी अड़ाई क्यों आया आप यहाँ बेटी हाँ बात किस चीज से भरा जाता है जो मेरे ससुर ने मांग करी है वो बात आप भर सको तो भरो लेकिन आप भरने की आज उस हिम्मत में नहीं आज नहीं बढ़ सकती आप बाप मैं भगवान का भगत हूँ जी और मैंने कसम खाई है कि मैं धन को हाथ भी नहीं लगाऊंगा पिताजी आपसे हाथ नहीं भरा जाएगा आप गौशाला से चले जाइए मेरे नगर से चले जाइए लाडो हाँ तने तो खुशी होनी चाहिए थी की बात करे है तू आज बिल्कुल खुशी नहीं हुई बिल्कुल भी खुशी नहीं पिताजी आज चले जाओ यहाँ से शर्म नहीं आई बाप पे कोड़ा मारे न जाना पड़ेगा आज यदि यह भी नहीं जला आप पे आपकी इज्जत बिल्कुल खराब हो चुकी है आप निकल जाइए यहाँ पे ए हर नंदी ले हाथ रोक अपनी शादी ए हर नंदी ले हाथ रोक मेरी बेटी जुलम कमावे ना संत महात्मा संग आ रे मेरी बेटी डर उल्हानी ते तू गौशाला तबार चल्या जा ना काम चले समझाने ते गौशाला तबार चल्या जा ना काम चले समझाने ते ए अपने हाथ मान घटाना अपने हाथ मान घटाना चाहवे ना विश्वास था अरे इतने साल के बाद मेरी लाडो मिलेगी अपने बाप की कोड़ी भर लेगी न्यू कहेगी पिताजी तू कैसा है और तू मेरे कोड़े मारती है अरे तुम शर्म आनी चाहिए लाडो पिताजी आज रोना वहां क्या मैं वो प्रेम मेरी आख्या में इब भी है लेकिन दुख बहुत तो है कि मेरे पिताजी उस हालात में नहीं है फिर भी अडाए मन के बेरा था इज्जत ने तू इस तरिया तक होवेगी न्यूना सोची न्यूना सोची बिना ब्योत कुल की बदनामी होवेगी मैं तो न्यू आ गया कदम मेरी लाडली
बैठ बाट न जो होवेगी आखिर मैं तेरा बाप लगूरी आखिर मैं तेरा बाप लगूरी मन तू कोड़े मार भगावे ना नरसी को नहीं था इतना जितना दुख हरनंदी को था। कोड़े तो मार रही है लेकिन उसके अंतरात्मा पे कोड़े लगे हैं। बाप समझ गया कोड़े हरनंदी को ना लगवा रही है, कोड़े तो ये बखत लगवा रहा है। ले लाडो तू चिंता ना करे, तने मेरे कोड़े मार दिए इसका मुझे कोई भी गिला सिकवा नहीं है। हर लाडो तू जा, भगवान ने चाही तो तेरा ऐसा बात भरूंगा ना तो किसी ने भरया और ना कोई भर सके। पिताजी बात की बात करो हो, अरे मेरे ससुरिन तो थाना ललचाया था पूरा जी हो लेता, मैं समझा लेती मेरी सास सुन ले निशानी ने। तू घर जा, घर नहीं जाऊंगा। हे तेरे गुनाह मैं माफ करूरी, तू बेटी मैं बाप तेरा। बनी बनाई बात बिगड़ गई खत्म हुआ कपता तेरा। हे धीरज धार सबर कर मन में भला कर हरिया तेरा। टोटे में मन माड़ी दिखे दिख रहा लड्डू के चा तू बोल के चा। चले जाओ यहाँ से आप। मैं चला जाऊ? हाँ, नहीं जाऊंगा मैं। लड्डू मेरे बुड्ढे बैल है, टूटी गाड़ी है। पैदल पैदल चले जाओ आप, गंगा जी भी गए थे पैदल। एक काम कर ले। हाँ। तू नहीं मानती तो एक काम बेइज्जती ना करे, एक काम कर ले के? बस रात काट ले। ना रात भी नहीं काटने दे। रात काट ले तेरी गौशाला में तन तड़के बेटी पावे ना। सामल ने मैं चिट्ठी गेर बुलाया से बात भरन का ब्योत नहीं क्यों भिक्षुक बन के आया से। बात भरन का ब्योत नहीं क्यों भिक्षुक बन के आया से। मत ना तान मारे बेटी तू टोटे की माया से। इस रागड़ी पर खुश होकर के हमारे परमादनीय विष्णु नाई जी 100 रुपये मंदिर में और 50 रुपये हमारी टीम को देते हैं। बार बार धन्यवाद।
मेरे सावरे भवर में पड़ी है मेरी दाया आपको जाना होगा। कौन होती तुम जो भगाने वाली? आपकी बेटी होती हूँ पिताजी। यहाँ पर तेरे ससुर की चलेगी। अपने ससुर को बोल। मेरे ससुर ने तो ललचाया था आपको, वो राजी हो लेता पापा। बेटी तू टाबर है, तने पता कौन है समाज की? तू सोचे मैं खाली आसमान कुछ जानू हूँ पिताजी मैं। सुन, एक रुपये का भी बात होता है। आ तो गया। करोड़ रुपए का भी बात होता है। अगर खाली हाथ भाई टेम्पा के पाटड़े पर चढ़ जाना और अपनी बाण के सर पर धर दे, यो भी बात होवे है पिताजी। आप सुन, अगर तेरा कोई भाई होता बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि बेटी के घर का तो पानी भी नहीं पी सकते माँ बाप। मैं तो लोक लिहाज के कारण आ गया और तू मेरी बेइज्जती करे। जाना होगा पिताजी, मैंने विश्वास है उस पे, वो अपने आप कर देगा। वो भरेगा तेरा बात। हाँ, भर लिया बात। भरेगा, आज बात नहीं भरा जाएगा। चला जाड़े दा तू। धार सबर कर मन में क्यों खोटी बात विचार नहीं। अगर पड़ो सनता या सपीतस मेरी सासस्ताने मार रही। रघुनाथ गुरु का ज्ञान मान क्यों भर दिल में खुमार रही। सुन के थारे रंग ढंग मेरी सास गणी खिलता रही। सुन के मंगल मदद करे परमेश्वर और कोई लाज बचावे ना। तेरे भगत की बेइज्जती हो प्रभु कहा लगा दई देर। गोडे टेक के बैठ गया और याद करता है, हे रे भात भरण का आया बुलावा, मेरा फीका पड़ गया चेहरा। अरे मत घबरावे नरसी आ गया सावन सानो कर तेरा। हो बात भरण का आया बुलावा फीका पड़ गया चेहरा। मत घबरावे नरसी आ गया सावन सानो कर तेरा। क्या कहा? मत घबरावे नरसी आ गया सांवल सा नौकर तेरा। सांवल सा नौकर मेरा? हाँ। क्यों मजाक करते हो? अरे कदे मेरे नौकर भी हुआ करते थे,
हर तेरे वर्गे घने राख्या करता। ओहो मुझे लगता है तू मनसमल सेठ ने भेजा है, मेरे जलते घाव पे नमक लगाने का काम करता है, मेरा नौकर बन गया है। नरसी किसी बावली बात कर पिछाने कौन है के तन्ने कितने कौन है भाई तू? रे बावले जिसका तू हर टाइम सोते उठते बैठते खाते पीते जिसका नाम लिया कर वो सुम है। वो तो मेरा कृष्ण भगवान है। वो ही हूं मैं, कृष्ण भगवान। हाँ जब ये बात सुनी के कृष्ण भगवान खुद नौकर बनकर आया है, आंखों में आंसू आ गए। और देखो जोकर छोटा सा बालक अपनी मां ने कहेगा, मां हे मां मेरा उस छोरे ने मारया है, उस छोरे ने गाली दे दी। नरसी छोटा बच्चा बन जाता है, शिकायत करने लगता है, हे प्रभु पूरी रात होगी रोते रोते, दिन के 10 बज लिए, 4 बुलावे आ लिए, आप अब आए हो? मैं आने की तो मैंने पहले भी कोशिश की, लेकिन जो बात का सामान था वो भी तो कलेक्ट करना था। सारा सामान लेकर आयो? सारा रथ बाहर खड़ा है तैयार। लेकिन मेरी कितनी बेइज्जती हुई? कोई बात नहीं, इज्जत हो जाएगी। ये लोग मेरा के कहते? के कहते और न्यू कहते, न्यू कहते यो मोटा नरसी, न्यू कहते यो मोटा नरसी, अरे जात देने ने आ गया। जिसके ऊपर तू मर रहा तेरी हिम्मत देने ने आ गया, और उनकी होगी जीत तू जिनका साथ देने ने आ गया। जा कह दे मन साते कृष्ण भात भरने आ गया, जा कह दे मन साते कृष्ण भात देने आ गया। 3-4 घंटे पहले आवे, 2-4 कोड़े तेरे कड़म में भी लाके जब पता लगे तने। कोड़े? हाँ कोड़े किसने मार दिए? मेरी छोरी ने। अच्छा और तन तेरा नाम लिया मने, वो आवेगा फिर के बोली तन्ने भी गाली दी थी। कोई बात ना, अरे न्यू कहते अरे कहते कित का बात भरेगा, ये कहते कित का बात भरेगा, वो डाकू चोर लुटेरा। भगत के बस में भगवान रहे, मैं तेरे बिना मान सम्मान करते हैं। धन्यवाद। हर नंदी ते ईब गई से मेरी गल लड़के, सारे आए ओ जानर सी जब बन जा बात बिगड़े के, इसी जी में आवे मैं रोलू तेरे पाया के मपड़ के। तू मालिक मैं नौकर नरसी बोलिया हाथ पकड़े के, तू मालिक मैं नौकर नरसी बोलिया हाथ पकड़े के। बाहर मुझे कुछ लोग मिले थे, भाई तू कौन है? तो मैं उनते न्यू बता गया हूँ, अगर जो नरसी है मैं उसका नौकर हूँ, अगर किसी ने तू पैरा का हाथ लगाते देख लिया गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा हाँ, लेकिन प्रभु मैं तो आपका दास हूँ। कोई बात ना, आज मैं तेरा दास हूँ। ये होता है भगत के बस भगवान, भगवान नौकर बनने को तैयार है। नरसी कहता है ये जुलम ना करे, नौकर नहीं। तो अगर आज मेरी लाडो और नंदी का कोई भाई होता, हर वो पाटड़े पर खड़ा होकर टीका करवावे, मेरे आए हो जाते। आहा, समझ गया नरसी तेरी भावना, आज मैं भाई बनकर बात करूंगा। जा भगत भी चालू है, दास की जगह बेटा बना लिया। हाँ। बोल कृष्ण भगवान की जय। लेकिन एक बात और है। हाँ।
इस बात लिखी मन सने इस बात लिखी मन सने चलो तोहलू कुआ चेहरा तू जो मांगेगा वो दे दूंगा मन करना न्यास तेरा हो बात भर का आया बुलाया फीका पड़ गया कोई दिक्कत नहीं बात की चिट्ठी देख ली एक भी नेक अधूरा न रह जा फालतू रहेगा कम नहीं रहे तेरे आन ते पहले आन ते पहले मैं कुछ भी ना था आन ते पहले कुछ भी ना था इत कर दू तोड़ बहुत में तेरे नौकर के तू तेरे बेटे के हाथ दे दिए कर दूं तोड़ बात मैं अरे नरसी भूखा नंग दिखे था इबला दूं जोर बात में नहीं भरा कोई भर सकता ऐसा करूं निचोड़ बात में नहीं भरा कोई भर सकता ऐसा करूं निचोड़ बात में अरे चंदगी राम व्यापार हुए रे चंदगी राम व्यापार हुए जिन कृष्ण तेरा मेहनत करे जा धर्म वीर तेरा रे हो जाना चुपेरा नौकर हो या भाई हो मैं तो आपका दास रहूंगा अगर इजाजत हो तो भात भर दे बोल बोल कर सुनाए जा मैं रथ में तो काट काट के दिए जाऊंगा पक्की बात है ठीक है चलिए भात का नरसी कृष्ण आके भाई जिक्र करन लग्या प्रभु चारों तरफ देखो खड़ी चुगर दे जनता कृष्ण भात भरने लग्या हो खड़ी चुगर दे जनता कृष्ण भात भरने लग्या अरे भात का नरसी कृष्ण आगे भात का नरसी कृष्ण आगे जिक्र करण लाग्या खड़ी चुगर दे जनता कृष्ण भात भरण लाग्या ओ खड़ी चुगर दे जनता कृष्ण भात भरण लाग्या ये बात का भजन है इसमें अगर आप ताली बजा के साथ दोगे तो कहीं ना कहीं कृष्ण जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा कैमरा घुमाओ इनकी तरफ को खोल दो थोड़ी चादर खोल दो कुछ नहीं होने वाला हाथ ऊपर करो सारे एक बार भात भरने लगा
सामान क्या क्या है नोट कर लेना, कदे को रह जा। बदामर छुआरे 25 मण, 25 मण दाक छुआरे, सच्चे चीर जरी के गिनवारा न्यारे न्यारे, सच्चे लहंगे कई किस्म के कट गुजराती सारे, दई चूढ़ा दई उढ़ा चुंदड़ी बेबे को मिनती पे नंद के दुलारे, दई उढ़ा चुंदड़ी अरे बहन और भाई, बहन और भाई मिल के दोनों, बहन और भाई मिल के दोनों, बहन और भाई मिल के कारज ठीक शरण लाग्या, खड़ी सुगर दे जनता गिर सन मान मरण लाग्या, खड़ी सुगर दे जनता गिर सन मान मरण लाग्या। धरती पे जितने मसाले, जितने मेवा फ्रूट 25-25 मण लिख रखे थे, एक मण में 40 किलो होते, 25-25 मण दिए। और उसके बाद कृष्ण भगवान नरसी को देखते हैं, नरसी के चेहरे की लाली को देखते हैं, खुशी को देखते हैं, बहन खड़ी है, नरसी जी का हाथ पकड़ के दबा दिया और चूंदड़ी लेकर के भगवान कृष्ण हरनंदी का भाई बन के अपनी बेबे के सिर पे वह चूंदड़ी भात की उड़ाई और नरसी को कहते हैं कि मेरे भगत देख, चारों तरफ जितने भी लोग हैं, तेरे पैरों में ना झुका दूं तो कहना प्रभु क्या करोगे। ऊपर को नजर करी कृष्ण जी ने, एक बादली आई, छोटी बादली, बारिश नहीं पड़ी, बादली में तक के लिख दिया, के पड़ा के बता दिया, बादली आ गई। 58 54 58 54 और रुपया बरसन लागे भाई, गरीब आदमी चुगन लाग गे, बालक और लुगाई, सारे के सारे रुपये चुगने लगे। मनसामल ने देखे भाई ये तो बेइज्जती हो जाएगी, जो मनसामल के रिश्तेदार थे उनके आगे हाथ करके खड़ा हो गया, वे कोई आगे नहीं आवेगा, नरसी के पाया में पड़ोगे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, 58 54 कोई बनिया सेठ नहीं उठाएगा। मनसा सेठ न्यु कहन लग्या, बात सुनो तम भाई, कोई सेठ आदमी आगे आगे ना थैयो पैसा पाई, कोई सेठ आदमी आगे आगे ना थैयो पैसा पाई, और नरसी भरा उमंग में भगत, नरसी भरा उमंग में भगत के, नरसी भरा उमंग में भगत के, कष्ट हरण लाग्या, खुड़ी चुकर दे जनता के सन भात भरण लाग्या, खुड़ी चुकर दे जनता के सन भात भरण लाग्या, एकदम ते मना कर दिया। नहीं बोले राजकुमार,
सुनो महावीर प्रसाद 100 रुपए सम्मान करते बैठे। जो मन संभल के रिश्तेदार थे सबको रोक दिया, सबको रोक दिया। भगवान कृष्ण ने नरसी की तरफ देखा और नरसी को कहा कि नरसी ये सेठ है, बढ़िया जात है, थोड़ा सा लालच होता है इनमें, 98-94 को तो रुक जाएंगे, लेकिन तू देख ये मन संभल के भी ठोकर मार के तेरे पाया में आवेंगे, दूसरा काम करूंगा के वह 98-94 बारिश बंद, दूसरी बारिश बरसी के वर्षा। नीलम नीलम और पुखराज मणिये बरसन लागी सच्ची मोहरे, हीरे मोती पन्ने बरसे अशर्फिया पे पड़ रहा जो, घर बड़ बड़ सेठ बिचुगण लाग गए मारे थे जो आपस में बोर, 200 ने चांदी के 200 ने चांदी के बादल सबसे ठाका पाट्या तोर, 200 ने चांदी के बादल सबसे ठाका पाट्या तोर, और देख के सारा हाल व मनसा, देख के सारा हाल व मनसा, देख के सारा हाल व मनसा, से डरने लाग्या खड़ी सुगरे के जनता के सुनवाद भरने लाग्या, लेख बताते। हेलो हेलो सो गया दिखे दिन हो गया। लेख बताते के सोने चांदी की बारिश हुई थी सिरसागढ़ में। सोने चांदी की जब बारिश हुई तो भगवान जो होते हैं वो अपने भगत के सब कष्टों के बारे में जानते हैं, किसने क्या कष्ट दिया वो जानते हैं। नरसी ने तो बताया नहीं, एक धोबी था धोबी, जब नरसी गौशाला में रुका हुआ था एक धोबी को कहा था नरसी ने कि मेरा कुर्ता गंदा हो गया जरा इसको धोते, तो बताते कि धोबी ने नरसी को धक्का दे दिया, नरसी की कड़ लगी धरती में और उसने एक ही बात कही, बस तेरा फैसला तो मेरा कृष्ण जी करेगा। बारिश करी सोने चांदी की, काफी भीड़ थी, एक आदमी को ऊपर दो, दो के ऊपर चार, लालच के वसीभूत होकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। और यहां कृष्ण जी कहते कि देखिए चहल पहल करने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग अपने अपने घर जाओ, आपके घर की छत के ऊपर मैंने सोने चांदी की बारिश कर दी, आपका नेग आपके घर जाने से पहले आपके घर पहुंच गया। यहां धोबी का दिमाग बदल देते हैं कृष्ण भगवान, धोबी धोबन आपस में बात करते हैं, घर का तो ताला बंद है, घर की छत तो आ कैसे करेंगे, एक काम करो धोबी साहब पहले घाट पर चलो जहां कपड़े धोए जाते हैं, पहले घाट सकेर के ले आवेंगे और फिर पाछा घर का धन लेवेंगे, और गांव में सबसे बड़े अमीर हम। दोनों के दोनों जंगल में गए, घाट पे गए, लेकिन ये कृष्ण जी की योग माया थी, जो बारिश थी वो नेक के लिए थी, जंगलों में बारिश नहीं हुई, गांव में लोगों की छत के ऊपर बारिश हुई। घाट गए, घाट खाली, इतने घर आए वे पड़ोसी सकेर के ले गए। यहां कहावत भी बनी कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, इसलिए भगत के वश में भगवान है, क्या बता दिया।
धोबण आए रे घाट ते हाथ जोड़ करते प्रणाम मारे ते कुछ थाया कोन्या चुग चुग ले गए लोग तमाम सवा पहर तक बरसा की खुश हो गए गुरु चंद की राम बस मेरे बेटा ईब रोक ले धोबण बोली थी सरे अरे बस मेरे बेटा ईब रोक ले धोबण बोली थी सरे धर्म वीर भी गुरु की दया ते धर्म वीर भी गुरु की दया ते धर्म वीर भी गुरु की दया ते छंद धरण लाग्या खड़ी चुगर ते जनता के सुनवाद मरण लाया खड़ी चुगर ते जनता के सुनवाद मरण लाया। एक बार हाथ उठा के देखो अगर मजा आया हो भात में सारी ताली बजा के भात